असलम फेलोज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट लेक्चर ऑफ जनरल अनाटोमी इस लेक्चर में हम अनाटोमिकल पोजिशन अनाटोमिकल प्लेन और डिफरेंट अनाटोमिकल टर्मिनोलॉज के बारे में जानेंगे सो अनाटोमिकल पोजिशन को हम किस ना डिफाइन करते हैं कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग इडेक्ट विद हीज़ पार्म एंड टोर्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड आई इज़ लुकिंग टॉरिजन एंड बोथ आर्म दर हेंगिंग ऑन दाइड ऑफ बॉडी दिस इज़ अनाटोमिकल पोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी और अनाटमी में हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को जो भी हम डिस्क्राइब करेंगे वो हम अनाटोमिकल पोजीशन के हवाले से डिस्क्राइब करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे सो नेक्स्ट इज अनाटोमिकल प्लेन्स अनाटोमिकल प्लेन्स ऐसी लाइंस हैं फिक्स्ड लाइंस हैं जो बॉडी में से गुजरती हैं बॉडी पार्ट्स में से और इसको डिफरेंट सेगमेंट के अंदर डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम पांच किस्म के अनाटोमिकल प्लेन्स डिस्कस करेंगे जिसमें मीडियन प्लेन और मिड सेजिटल प्लेन है फ्रंटल प्लेन सेजिटल प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन एंड उब्लिक प्लेन्स हैं इनके बारे में वन बाय वन हम देखते हैं फर्स्ट इज मीडियन प्लेन इसका दूसरा नाम है मिड सर्जिटल प्लेन एक ऐसा प्लेन जो बॉडी के सेंटर में से गुजरे और बॉडी को दो इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे इसको हम मीडियन प्लेन कहते हैं अब मीडियन प्लेन आप देखें तो ये टॉप से बॉटम भी एक्सटेंड कर रहा है और इंटीरियर से पोस्टीरियर इंटायर थिकनेस ऑफ बॉडी में भी एक्सटेंड कर रहा है और बॉडी को इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको मिड सैजिटल प्लेन भी कहते हैं नेक्स्ट प्लेन इज फ्रंटल प्लेन फ्रंटल प्लेन भी देखें तो ये टॉप टू बॉटम ऑफ बॉडी ये एक्सटेंड कर रहा है और उसके अलावा ये बॉडी के राइट टू लेफ्ट पार्ट या लेफ़्ट टू राइट पार्ट कह लें उसमें भी इंटायर थिकनेस के लॉन्ग रन कर रहा है और ये बॉडी को डिवाइड करता है इक्वल इंटीरियर पार्ट एंड इक्वल पॉस्टीरियर पार्ट के अंदर दिस इज फ्रंटल प्लेन और इसका दूसरा नाम क्रोनल प्लेन भी है नेक्स्ट प्लेन इज ट्रांसवर्स प्लेन दिस प्लेन रन इंटीरियो पॉस्टीरियरली एज वेल एज इंटायर थिकनेस फ्राम राइट टू लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी और ये बॉडी को डिवाइड करता है इक्वल अपर पार्ट और सुपीरियर पार्ट एंड इक्वल इंफीरियर पार्ट के अंदर दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन इट इज ऑलसो कॉल्ड होरिजेंटल प्लेन जैसे यहाँ पे दो प्लेन गुजारे हैं दो प्लेन गुजा गुजार के बॉडी का एक सेगमेंट जो है वो निकाल लिया गया इसको क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं नेक्स्ट प्लेन इज उब्लिक प्लेन अब उब्लीक प्लेन का कोई स्पेसिफिक एंगल कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती ये किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे किसी भी एंगल में गुजरता है और बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है दिस प्लेन इज उब्लीक प्लेन ये किसी भी एंगल के लॉन्ग नहीं है किसी भी स्पेसिफिक एंगल के लॉन्ग नहीं होता नेक्स्ट इज सजिटल प्लेन मिड सैजिटल प्लेन वाज द प्लेन दैट वाज पासिंग थ्रू मीडियन लाइन और मिड ऑफ बॉडी लेकिन कोई ऐसा प्लेन जो मिड सैजिटल प्लेन और मीडियन प्लेन के पैरेलल हो जैसे ये प्लेन है ये मीडियन प्लेन के पैरल गुजर रहा है सो दिस प्लेन इज मिडी दिस प्लेन इज सैजिटल प्लेन कोई भी प्लेन जो मिड सैजिटल प्लेन के पैरल है वो सैजिटल प्लेन है और इसको पैरा सैजिटल प्लेन भी कहा जाता है ये भी बॉडी को राइट टू लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड करता है लेकिन वो राइट टू लेफ्ट पार्ट्स जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो वो इक्वल नहीं होते सो so, यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ प्लेन्स को कंपेयर कर लेते हैं यह मिड सैजिटल प्लेन है ये गुजरा इसने बॉडी को इक्वल राइट और राइट पार्ट और लेफ़्ट पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया दिस इज़ मिड सर्जिटल प्लेन ये ट्रांसवर्स प्लेन है इसने बॉडी को अपर पार्ट और सुपीरियर पार्ट और इन्फीरियर पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया ये फ्रंटल प्लेन है इसने बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेन के एक्सिस के बारे में कि प्लेन के एक्सिस क्या होते हैं अब यहाँ पे हम हम जानते हैं कि स्पेस के अंदर तीन एक्सिस होते हैं अब इस एक्सिस को हम क्या देते हैं दिस इज एक्स एक्सिस ठीक है दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जी एक्सिस तो प्लेन जो है वो कोई भी दो डायरेक्शन को कंप्राइज कर रहा होता है दो डायरेक्शन में पास कर रहा होता है जैसे मिड सैजिटल प्लेन था तो ये टॉप टू बाटम भी रन कर रहा है और इंटीरियो पॉस्टीरियर भी रन कर रहा है तो टॉप टू बाटम कौन सा एक्सिस है टॉप टू बाटम ये वाई एक्सिस जा रहा है और इंटीरियो पॉस्टीरियरली कौन सा एक्सिस है वो जी एक्सिस है यानी कि वाई और जी एक्सिस के अंदर मिड सैजिटल प्लेन लोकेटेड है और तीसरे एक्सिस जो है कि एक एक्सिस बच जाता है वो है एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस जो है वो मिड सैजिटल प्लेन के प्रीपेंडिकुलर है इसलिए इसको सैजिटल एक्सिस कहते हैं कि वो एक्सिस जो एक प्लेन के प्रिपेंडिकुलर होगा वो उस प्लेन का एक्सिस होगा अब मिड सैजिटल प्लेन जो है वो वाई जी एक्सिस के अंदर वाई और जी एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है और एक्स एक्सिस के प्रिपेंडिकुलर है इसलिए एक्स एक्सिस को हमने सैजिटल एक्सिस कह दिए इसी तरह ट्रांसवर्स प्लेन की बात करें तो ट्रांसवर्स प्लेन जो है ये होरिजेंटली रन कर रहा है और इंटीरियर पॉस्टीरियरली भी रन कर रहा है तो ये किस 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 प्लेन के किस प्लेन में आ रहा है ये एक्स प्लेन और जी जी एक्स और जी प्लेन में आ रहा है ठीक है क्योंकि एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के लॉन्ग रन कर रहा है और इसके प्रिपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस है इसलिए वाई एक्सिस जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसी तरह फ्रंटल प्लेन की बात करें तो फ्रंटल प्लेन जो है वो लेफ़्ट टू राइट पास कर रहा है और उसके अलावा टॉप टू बॉटम भी पास कर रहा है यानी कि ये वाई टू जी टॉप टू बॉटम वाई टू वाई एक्सिस के लॉन्ग है और लेफ्ट टू तो राइट कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस ठीक है तो ये एक्स वाई एक्सिस एक्स वाई एक्स प्लान के अंदर मौजूद है और जी एक्सिस जो है वो इसके परपेंडिकुलर गुजर रहा है इसलिए जी एक्सिस को हमने फ्रंटल एक्सिस कह दिया यानी कि एक प्लेन जो है वो दो एक्सिस में पाया जाता है और तीसरा एक्सिस जो बच जाता है जो उस प्लेन के एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो उसका उसको हम उसका एक्सिस कह देते हैं जैसे मिड सैजिटल जो है वो टॉप टू बॉटम और इंटीरियर पॉस्टीरियर रन कर रहा है टॉप टू बॉटम कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस और इंटीरियर पॉस्टीरियर कौन सा था जी एक्सिस इसलिए मिड सैजिटल प्लेन वाई जी प्लेन है और इसके प्रिपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्सिस है जिसको हमने सैजिटल एक्सिस कह दिया नेक्स्ट हम पोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं तो पोजिशन ऑफ अनाटमी में बॉडी पार्ट्स की डिफरेंट पोजिशन जो है वो रेलटिव पोजिशन होते हैं हम रेलिटिवली एक दूसरे के डिस्क्राइब करते हैं जैसे यहाँ आप सुपीरियर देख लें इंफीरियर देख लें सुपीरियर यानी कि जो चीज़ हेड की तरफ लोकेटेड है वो सुपीरियर है और जो फुट की तरफ लोकेटेड है इसको हम इंफीरियर कह देते हैं जैसे अब यहाँ पे शोल्डर की बात कर लें तो शोल्डर जो है वो सुपीरियर है ठीक है और हिप जो है वो इंफीरियर है इसी तरह फुट जो है वो इंफीरियर है और नीज जो है ये सुपीरियर है डीज आर एल्टी पोजीशन ियर uh, uh, जो बॉडी पार्ट जो है वो सामने पार्ट एंड इज ऑफ बॉडी पार्ट अब मिडियल और लैटर डिस्कस कर लें तो मीडियल है मिड लाइन के करीब है वो मीडियल है, है ये दिस इज मिड लाइन जो बॉडी के सेंटर से पास कर रही है जो मिड लाइन के लोग हैं वो मीडियल है और जो उसके अवे है वो लेटरल है जैसे अब बिग टो की बात कर लें तो बिग टो जो है ये मीडियल लाइन के करीब है तो ये जो है मीडियल स्ट्रक्चर है इसी तरह जो लिटल डिजिट है इसकी बात कर लें तो ये टो तो की बजाय टो तो की नस्बत टो के रिलेटिव जो है ये उससे दूर है आउटसाइड है इसलिए ये जो है ये लेटरल है इसी तरह यहाँ पे जो थंब है थंब जो है वो लेटरल है जबकि लिटल डिजिट जो है लिटल फिंगर जो है ये मीडियल है प्रोक्जिमल डिस्टल को डिस्कस कर लेते हैं तो प्रोक्जिमल और डिस्टल ये लिम्स की बोन्स से रिलेटेड और लिम्स से रिलेटेड ये टर्म टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं प्रोक्सीमल से मुराद वो बॉडी पार्ट है जो लिम्स के रूट के नज़दीक है जैसे कि यहाँ पे हेड जो है यहाँ से लिम्ब ओरिजिनेट हो रहा है तो हेड जो है ये प्रोक्जिमल होगा और यहाँ पे इसका ये जो जॉइंट पे बना रहे हैं जो है लोअर एंड है ये डिस्टल है इसी तरह यहाँ पे हम दूसरी बोन रेडियस देख लेते हैं तो ये रेडियस का जो हेड है ये प्रोक्सिमल है और यहाँ पे नीचे जो जहाँ पे ये डिस्ट जॉइंट बना रही है ये इसका डिस्टल पार्ट है इसी तरह फीमर का ये प्रोक्सिमल एंड है और ये फीमर का डिस्टल एंड है यानी कि लिम्ब के ओरिजिन से जो स्ट्रक्चर दूर है वो उसका डिस्टल पार्ट है सुपरफिशियल एंड डीप ये जो है ये डाइसेक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनके जो स्ट्रक्चर स्किन में सरफेस के करीब मौजूद होगा वो सुपरफिशियल है जो सरफेस से दूर होगा वो डीप है जैसे अब स्टर्नम जो है स्टर्नम जो है ये सरफेस के ज़्यादा करीब है और हार्ट जो है वो सरफेस से दूर है डाइसेक्शन करते वक्त पहले स्टर्नम आएगी उसके बाद हार्ट आएगा तो जो स्टर्नम है ये सुपरफिशियल है और जो हार्ट है ह्यूमन हार्ट जो है ये डीप स्ट्रक्चर है इसी तरह रिब्स जो हैं ये सुपरफिशियल हैं और हार्ट जो है यहाँ पे डीप स्ट्रक्चर है अब डॉसल वेंटल की बात करें तो जो डॉरसल सरफेस है वो कमर की साइड पे बैक साइड जो है वो डोसल होती है और इंटीरियर जो डोमिन की साइड जो इंटीरियर है वो वेंट्रल होती है अब यहाँ पे वेंट्रल जो है ब्लैक जो है वेंट्रल को जाहिर कर रहा है और वाइट जो है डॉर्सल को जाहिर कर रहा है अब ह्यूमंस के अंदर जो आर्म्स हैं आर्म्स की जो वेंट्रल सर्फेस है वो तो इंटीरियर ही इंटीरियर ही होती है लेकिन जो वेंट्रल सर्फेस लेग्स की है वो पॉस्टीरियर है क्योंकि लिम्स जो हैं वो रोटेट करते हैं म बर्ड्स उसकी वजह से जो लेग्स हैं उसकी वेंटल सरफेस जो है वो पॉजिविट साइड पे चली जाती है पोजिशन की बात कर लें तो अगर एक इंसान जो है फेस जो है वो डाउन उसका फेस डाउन है तो ये प्रोन पोजिशन है और अगर फेस अप है इनके वो रूफ की तरफ फेस कर रहा है तो ये स्पॉइंट पोजिशन है इसकी की पॉइंट क्या है कि आप इस तरह देख लें कि स्पॉइंट पोजिशन में जो तो इंसान पड़ा हुआ है वो सॉफ्ट ड्रिंक कर सकता है तो इससे यही याद रहेगा मूवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट मूवमेंट की टर्मिनोलॉजीज को तो फ्लेक्शन किसको कहते हैं किसी भी जॉइंट पे जो दो बोन्स जो जॉइंट बना रही है उनके दरमियान एंगल अगर कम हो जिस मूवमेंट पे वो मूवमेंट फ्लेक्शन है जैसे ये एल्बो जॉइंट है तो फ्लेक्शन के अंदर ये एंगल कम हो रहा है एक्सटेंशन के अंदर ये एंगल जो है ये इंक्रीज हो रहा है तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी इसी तरह नी जॉइंट पे भी ये मूवमेंट होती है नी जॉइंट पे जब एंगल कम होता है तो वो फ्लेक्शन है बाद में एक्सटेंशन आ जाती है यहाँ पे देखें जब इंसान इंसानिक पोजिशन में इस तरह बड़ा होता तो है।, है, है, है तो इसके जॉइंट जो है हुए हैं यहाँ पे जो एल्बो जॉइंट है भी है और जो नी जॉइंट है ये भी फ्लैक्सड है लेकिन जब वो वोटोमिकल पोजिशन में खड़ा है तो इसके ये जॉइंट भी एक्सटेंडेड है ये जॉइंट भी एक्सटेंडेड है अब अबडक्शन और अब की बात कर लें अबडक्शन जो है बॉडी पार्ट का बॉडी से अवे मूव करना है और अडक्शन है बॉडी पार्ट का टूअर्ड बॉडी या मिड लाइन ऑफ बॉडी मूव करना है जैसे आम जो है ये अबडक्टेड पोजिशन है आम जो है बॉडी से दूर है और जब करीब आ जाएंगे तो दिस इज अडक्शन शन क्या है सरकम अबडक्शन अडक्शन, फ्लैक्शन और एक्सटेंशन इन मूवमेंट का कॉम्बिनेशन है इसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं जैसे यहाँ पे अगर वो रोटेटरी मूवमेंट हो इस तरह इंसान अपने बाजू को घुमाता है या अपने लेग को घुमाता है तो सर्कल के लॉन्ग तो सरकमडक्शन और हैंड की बात करें तो हैंड के अंदर जो अबडक्शन और रिडक्शन है इसके लिए रेफरेंस फिंगर जो है वो मिडल फिंगर होती है मिडिल फिंगर को इसमें रेफरेंस रखा गया है जबकि फुट uh, की बात करें तो इसके अंदर सेकेंड टो जो है वो रेफरेंस है हैंड के अंदर मिडिल फिंगर से अवे मूव करना अबडक्शन है और मिडिल फिंगर की तरफ मूव करना अडक्शन है जबकि फुट के अंदर सेकेंड टो इसके लिए रेफरेंस है सुपिनेशन प्रोनेशन की बात कर लें तो सुपिनेशन के अंदर हैंड जो है फॉरवर्ड या अपवर्ड फेस करता है तो हैंड

फॉरवर्ड मूव करना यानी कि यहाँ से अब लोअर जा जो है ये फॉरवर्ड मूव करता है दिस इज प्रोटेक्शन और जब ये बैकवर्ड मूव करेगा दिस इज रिट्रैक्शन एलिवेशन क्या है क्लोज माउथ को क्लोज uh, माउथ की स्टेट को एलिवेशन कहते हैं कि इसके अंदर जो लोअर जहा है वो एलिवेट हुआ हुआ है और डिप्रेशन के अंदर जब माउथ ओपन करेंगे तो वो नीचे मूव करेगा डिप्रेस हो होगा दिस इज डिप्रेशन शोल्डर से रिलेटेड प्रोटेक्शन क्या है शोल्डर जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो दिस इज प्रोटेक्शन और जब शोल्डर बैकवर्ड मूव करेगा दिस इज रिट्रैक्शन क्या है किसी एक्सिस के लॉन्ग जो है रोटेट करना या टर्न करना वो रोटेशन है रुटेशन अब रोटेशन दो तरह क्या है मीडिया रोटेशन और लैटर रोटेशन अब ऑन पे मीडिया रोटेशन क्या है जो इंटीरियर एंड है लिंब का यानी कि जो हैंड है वो अगर मिडली मिडल लाइन की तरफ रोटेट कर दिस इज मीडिया रोटेशन यहाँ से आउटवर्ड मूव करेगा दिस इज लेटर रोटेशन मीडिया रोटेशन इंटरनल रोटेशन भी है और लैटर रोटेशन को एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं इसी तरह यह मीडिया रोटेशन है हिप जॉइंट पे यहाँ पे अब जो फुट है वो इंटरनली मीडियल लाइन की तरफ मूव करेगा दिस इज मीडियल रोटेशन जब ये आउटवर्ड मूव करेगा दिस इज लेटरल रोटेशन अब ट्रंक की मूवमेंट देख लें तो ट्रंक का फॉरवर्ड बेंड होना ये है फ्लेक्शन और लेटर बैकवर्ड बेंड होना दिस इज एक्सटेंशन और ये जो साइड पे बेंड होना है इसको कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन या लेटरल रोटेशन एंकल जॉइंट पे मूवमेंट देखें तो यहां पे इनवर्जन और एवरजन आती है इन्वर्जन के अंदर सोल जो है वो मिड लाइन की तरफ फेस करता है इनके अगर आप दोनों जो फुट हैं उनकी इन्वर्जन करें तो दोनों सोल जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे और इवर्जन के अंदर दोनों सोल्स अपोजिट डायरेक्शन में फ़ेस करेंगे दिस इज़ इन्वर्जन इन्वर्जन के अंदर देखें लेटरल बॉर्डर जो है वो जमीन पे है और जो मिडियल बॉर्डर है वो अपवर्ड है वो जमीन से ऊपर है इसी तरह इवर्जन के अंदर मिडियल बॉर्डर जमीन पे होगा और लेटरल बॉर्डर जो है वो जमीन से ऊपर होगा अब डोर्सि फ्लैक्शन क्या है फुट का अपर्ड मूव करना का अपर्ड जो फ्लैक्शन है ये है और डॉनवर्ड जो फ्लैक्शन है फुट की वो प्लांटर फ्लैक्शन है मूवमेंट देख लें तो रिस्ट साइड पर रेडियल डेविएशन है और अलना डेविएशन है अब रेडियस uh, की तरफ रेडियस जो है वो लेट्रल बोन है अब रेडियस की तरफ जो डेविएशन है और अलना की तरफ जो कि मीडियल बोन है मीडियल साइड पे डेविएशन होती है हैंड की तो ये अलना डेविएशन है अब थंब के मूवमेंट देख लें तो थंब पे मूवमेंट जो है वो अबडक्शन रिडक्शन फ्लैक्शन एक्सटेंशन सरकम डोजिशन सिक्स टाइप्स की मूवमेंट हो रही है अब फ्लैक्शन एक्सटेंशन क्या है फ्लैक्शन एक्सटेंशन जो है प्लेन ऑफ पाम में होती है यानी कि थम्प जो है वो पाम की तरफ बेंड करेगा उसके बाद स्ट्रेट हो जाएगा दिस इज़ फ्लैक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन क्या है टू है यानी थंब जो है जैसे इस तरह अपवर्ड मूव करेगा उसके बाद जब ये दोबारा अपनी पोजिशन पे ओरिजिनल पोजिशन पे हैंड के साथ चला जाए दिस जाएक्शन और अपोजिशन क्या है टिप ऑफ थंब से फिंगर्स की टिप को टच करना दिस इज अपोजिशन डिज आर मूवमेंट ऑफ थम एंड टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं तो यूनी और बायोलेट्रल बाइटरल क्या है ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी के दोनों तरफ मौजूद है उसको हम कहते हैं वो बायोलेट्रल स्ट्रक्चर है जैसे ईयर्स हैं राइट लेफ्ट साइड दोनों तरफ मौजूद हैं वो बाइलेटरल हैं तो यूनीट्रल की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी के एक तरफ मौजूद है वो यूनीट्रल है जैसे सप्लिन अब एप्सीटरल क्या है कि दो स्ट्रक्चर लिम्स के अंदर जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं ठीक है और एक ही साइड पे वो बॉडी पे मौजूद हैं इसको अपसी कहते हैं जैसे राइट हैंड जो है वो एपसी है राइट right फुट का और कंट्रालेक्ट्रल क्या है कि दो स्ट्रक्चर जो सिमिलर स्ट्रक्चर हैं लेकिन वो ओपोजिट साइड ऑफ बॉडी में मौजूद हैं जैसे राइट right फुट और लेफ्ट फुट दोनों एक दूसरे के कंट्रालेक्ट्रल हैं